स्टार्ट किया जा रहा है कोची प्रकाश की ऑप्टिक। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्लास में याद कराने का महागारंटा है, गारंटी देते हैं घरांटा, ठीक है। सुनिए अमित जी आए हैं, ध्यान से देखते रहिए। सुनिए प्रकाशिकी क्या है, ध्यान नहीं, फिर वही बात है, पढ़ा रहे थ्योरी, इधर उधर देखेगा तो यही ना होगा कि प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशवा के आशिकी दैट इज कॉल्ड प्रकाशिकी बना दिया। अब इधर पढ़ा रहे हैं कि इधर ध्यान दीजिए, एकदम चुआठी है पीपा के चलाता है तुम, तो पढ़ा रही है इधर तो उधर छाने हुए तुम। देखो देखा सीधा जी प्रकाश प्रकाशिकी क्या होगा, तो कहेगा प्रकाशवा के आशिकी दैट इज कॉल्ड प्रकाशिकी, तो ऐसे नहीं होगा। नायका परिभाषा तैयार कर दिया, मान लीजिए कि ध्यान नहीं देगा, इधर उधर देखेगा तो यह सब ना लिखेगा। प्रकाशिकी क्या है पहले समझा जाए, ठीक है। सीधा सीधी बात है कि प्रकाश से रिलेटेड है कि नहीं, तो कहा जाएगा कि ये भौतिकी की शाखा है। तुम मेरे पास संस्कृत पढ़ने आता है भौतिकी फिजिक्स, तो भौतिकी में तो कोची का शाखा हो गया, हाँ भौतिकी का शाखा हो गया, तो कहेंगे सीधा सीधी प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। रट्टा मारेगा बर्बादी कजरवा चाली, समझ लेगा बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा, मैंने बुढ़ाड़ी तक साँचो याद रहेगा। बुढ़िया पूछेगी स्वामी प्रकाशिकी का हो, तब बताइए आओ बुढ़िया बताइए धान है बताए, बुढ़िया को भी फिजिक्स पढ़ा देगा, समझ रहे ना। बहुत भौतिकी के बारे में समझ लिया जाए फिर से, क्योंकि कहा प्रकाशिकी क्या है तो किसका शाखा है, इसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित बातों का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, समझ गए। अब इसको सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में बांट दिया गया, हर चीज़ को बांटा गया है, ठीक है। सुविधा के दृष्टिकोण से इसको भी बांटा गया है दो भागों में, एक हो गया किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। इसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। आ एक होता है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, ये होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। क्या परिभाषा देंगे सीधा सीधी, अब है था भौतिकी की शाखा, भौतिकी में से टूटा हुआ था, और ये किसकी शाखा है प्रकाशिकी, तो किरण प्रकाशिकी का परिभाषा फिर अपने मन से तैयार, रट्टा मारेगा बर्बाद, तो इसलिए उसको ध्यान से समझिए। सीधा सीधी कहा जाएगा यह प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसमें हम प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करते हैं, किरण लिखल बनू, हाँ किरण के रूप में अध्ययन करते हैं। इसमें कहा जाएगा प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसमें प्रकाश को किस रूप में, हाँ समझ गया परिभाषा, कि प्रकाश को किस रूप में, किरण प्रकाश की, प्रकाश को किस रूप में, इसका दूसरा नाम है देवता ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी, इसका दूसरा नाम ज्यामितीय प्रकाशिकी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। लाल छोड़ी मैदान खरीद, ध्यान दीजिए आप ही से बोल रहे हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। अब कोई पूछेगा कि ज्यामितीय प्रकाशिकी इसको काहे कहा जाता है, कोई पूछ देगा कि ज्यामिति, सीधा सीधी बात है कि टोटल का टोटल ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अगर ज्यामिति आपको आता है क्या, तब तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा से बुझाएगा, नहीं आता है तो बुझाएगा, क्योंकि सामने तो हम हैं बुझवा देंगे, लेकिन कहने का मतलब है हल्का फुल्का आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है भविष्य में, क्योंकि टोटल का टोटल थ्योरम, थेल्स का थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, कहीं ना कहीं आपको समानुपाती का सर्वांग समता, इस सब नाम सुने हैं ना जी, सबका सबका थ्योरम आ जाएगा, मतलब टोटली डिपेंड है इसके ऊपर, एकांतर कोण संगत कोण सारा का सारा थ्योरम इसके अंदर लग जाना है। इसके चलते इसका नाम क्या रखा गया, ज्यामितीय प्रकाशिकी। इसमें कोई दिक्कत लिखवाएं हम, चलिए लिखिए। देखिए अब समझते हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश सुनिए, सबसे पहले प्रकाश लिखिए तो इसका परिभाषा बताते हैं। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए, अरे लड़का ये बेसिक चीज़ें हैं, 12th क्लास का ऑप्टिक्स समझने के लिए थोड़ा 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है प्रकाश चैप्टर, समझ रहे ना, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक पढ़ा दे कि छोड़ दे, बेसिक पढ़ा देना, हाँ क्योंकि बेसिक रहेगा तो थोड़ा सा कुछ भी पढ़ाएंगे तो ध्यान ध्यान बुझाएगा, हो सकता है आप लोग 2 साल पहले पढ़े तो भुला गए होंगे, उसको हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रकाश, अब पूछेगा प्रकाश क्या, कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो ये ना कहते हैं कि अच्छा हमारा साथे पढ़त रहे फेल हो गए तब वह क्लास में बा प्रकाशवा प्रकाश कौन है, तो प्रकाशवा प्रकाशवा की बात नहीं हो रहा है, प्रकाश जो सूर्य से किरण आती है, प्रकाश से जो रोशनी आती है, 2-3 तरीके हैं परिभाषित करने के, ठीक है।
कह दीजिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक, सुनिए, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। सबसे बढ़िया है, कह दीजिए, प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। अच्छा, दूसरा आएगा किरण, किरण इसको कहते हैं री, गाँव में कहने से कारी, बगल नाम हो के किरण आ सुन लेलस कहला कारी, मैंने का किरण देता बोल तक नाम धैली है, तो कहना अंग्रेजी में कारी, समझ ना, रे का मतलब होता है किरण, समझ, तो पूछा जाता है किरण क्या है, पढ़त नहीं खेने उन्हें फिर मुँह घुमाओ तो देखो नीचे तक कहते पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या है किरण क्या है, तो कहते बस सीधे प्रकाशवा बो को किरण कहते हैं प्रकाशवा बो का नाम है किरण अब पढ़ेगा वही नहीं मन से तो ये ना करेगा भाई, तेरे बताइए क्या हटे है को कह रहा का कि चुंगा हो हॉलो चेक माइक चेक बच्चों देखा इसे क्या फेंक रही है, हाँ प्रकाश पढ़ जी, प्रकाश पर जब एक रेखा खींचा, रेखा का मोटाई होता है क्या, पढ़े होंगे कि रेखा का सिर्फ लंबाई होता है, मोटाई नहीं होता है। तो जब प्रकाश टॉर्च से निकल रहा है और तुमने उस पर रेखा खींचा और रेखावा के पीछे जितना प्रकाशवा ढक गई, उन्होंने रेखावा खड़ा बिया और प्रकाशवा पीछे लुकाइल बा, तो रेखावा से जितना दूर लुकाइल बा, ठीक बा, ओकरे कहा किरणी ही हो, का हो किरण, तो किरण कौन है, तो रेखावा के पीछे कौन है प्रकाशवा, रेखावा के पीछे कौन लुकाइल बा प्रकाशवा। ये आसान परिभाषा है, रट के भुला सकते हैं, ये भुलाइएगा, प्रकाश पर का घींचा और रेखावा के पीछे का जितना प्रकाश होगा उसी का बोला किरण बोला। अब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम है जिसे किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए लिखिए, लिखा गया। अब छोटा टॉपिक लिखेंगे, ये लोग पढ़ चुके हैं, ये भी आप लोग, गोलिया दर्पण पढ़े ना जी, अरे नाम नहीं सुना है तब, हाँ, स्फेरिकल मिरर क्या है गोलिया दर्पण, जैसे समझो पहले, जैसे मान लो कि ये कोई गोला हो गया, खोखला गोला, खोखला गोला है ना भाई, मैंने अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है कि पूरा पूरा अंदर भी शीशा वीशा है, ऐसा नहीं है, एक इस तरह से शीशा है मान लीजिए, तो दो तरीके से पोत सकता है इसको, चाहे ऊपर से पोत दीजिए चाहे अंदर से पोत दीजिए। पोतने का मतलब ये तो गोबर पोतेगा, पोतने का मतलब हो गया या तो सिल्वर नाइट्रेट चाहे पारा, समझ रहे ना, पारा नहीं की कहो पारा, तो पता चले कि शीशा लेके कोनो पारा के देह पर अगले लगा आ पारा चिल्लाता आ आ मैंने बोला होता भैंस माते जल्दी आते मोइलस मोइला उरोवर ले जाता, पता शीशा को दर्पण बना देना है का है, तो बर्मा बोला था ठीक है कि कोची का लेप लग रहा है पारा का, पारा है उपाड़ा है उस सन ऑफ बफैलो है, ठीक है, आई मरकरी ना है, इसको अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, उसको सन ऑफ बफैलो कहते हैं। तो इस शीशा पे क्या करेगा, लेप लगाएगा, क्या लगाएगा, कभी कभी लड़का ना साइंस का लड़का भी गड़बड़ हो जाता है, देखता है कि शीशा के पीछे टूटा हुआ फारे लसन, तो कह सका हरिहर का रंग पुताइल बा कि ललका री, पीछवा तो हरिहर लाल दिखता है, उस फूट निकलता है तो हरिहर लाल दिखता है, तो कहता अच्छा ललका रंग पुताइल बा, आप ललका रंग मारिएगा तो आपका चेहरा दिखेगा जी, किसी दर्पण में आपका चेहरा दिखता है, इसका कारण एक गो है कि जब तक किसी वस्तु का मैंने प्रकाश का पूर्ण परावर्तन न हो बढ़िया से, तब तक वो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, मैंने पूर्ण परावर्तन कहने का मतलब बढ़िया से परावर्तन होना चाहिए ना, परावर्तन अगर नहीं होगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप यहाँ पे हैं, आपके शरीर से लाइट, हमारे शरीर से लाइट आए आ टकरा के जा रहा है आपके देह आँख पर, तो तहरा आँख के रेटिना पर कैटरीना कूदतिया, तो बर्मा के फोटो तुमको दिखाई दे रहा है। अगर लाइट यहाँ टकरा के आए अब पास को जाए टोटल लाइट, तो बर्मा यहीं रही है गायब हुई है, मिस्टर इंडिया 2 घोषित, कैसे लाइट आया टकराइबे नहीं कर रहा है, टकरा के पास को जा रहा है, लालटेन का शीशा ले लिया, लालटेन जरा के देखो कहाँ बा अगरबत्ती
लालटेन ले लिया, लालटेन का शीशा है, अच्छा शीशा को रख दो भाई फील्ड में कहीं ग्राउंड में रख दीजिए, एक वो शीशा को रख दीजिए। आप खूब दोपहरिया का समय है, लाइट इस पर रोशनी पड़ रही है, आइए एक और शीशा लीजिए और वहाँ पे क्या करिए आप, वहाँ पे कोरिया कपड़ा लपेट दीजिए, चलते समय जल्दी ब्लैक वाला दिखेगा कि वही दिखेगा, कहें कि ये लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, पूरा सोख रहा है, समझ रहे ना, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझ रहे ना, इससे क्या हो रहा है, किरणें जितनी हैं लगभग सारी की सारी पास हो जा रही हैं, कुछ किरणें टकरा कर आँख पे आती हैं तो हमको महसूस होता है वहाँ शीशा है, लेकिन जब महसूस कब कब ना होला ठीक बात चलाक देना उस पर पैर पड़ जाता है, कहते उई अम्मा का ये समझ गया, तो गोलिये दर्पण दो प्रकार का हो गया, एगो उत्तल हो गया एगो अवतल, अगर बाहर से पोतता रहो, बाहर से पोतेगा तो अवतल ठीक है, यही जब अंदर से पोत देगा तो उत्तल ठीक है, तो कहा जाएगा ये गोलिये दर्पण का भाग है, ये उत्तल है कन्वेक्स, ये अवतल है कॉनकेव, समझ रहे ना, अवतल, तो कहा जाएगा कि गोलिये दर्पण का वह भाग, चाहे सीधा सीधे कहो कि वह गोलिये दर्पण, गोले ना है ऐसे नहीं ना सीधा, कहेंगे वह गोलिये दर्पण जिसके ऊपरी भाग पर कलई हो, कलई मने हाँ पोताइल बा, समझ रहे ना, कौची का लेप लगा है पारा, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट ना, तो ऊपर से जब ऊपर उठे हुए भाग पर कलई होती है और अंदर से मुँह दिखता है ना, तो उसको कहते हैं अवतल, आ जब उठे हुए भाग पर मुंह दिखे, मैंने मुंह दिखे मैंने प्रकाश का परावर्तन हो और अंदर कलई हो तो क्या कहेंगे इसको, उत्तल, कोई दिक्कत, ये तो पढ़ें आप लोग, तो चलिए परिभाषा लिखवा देते हैं।